ये जो नंबर्स डिक्लेयर होते हैं बॉक्स ऑफिस नंबर्स कितने सही हैं। तो सिंस मैं इंसाइडर रहा हूँ जी, पिछले 10 सालों में नंबर्स फज नहीं हुए हैं। फज नहीं हुए? नहीं, हो ही नहीं सकते। कैसे होते हैं? अब नंबर फज इसलिए भी नहीं होते हैं। Okay. ये था ज़माना, अगर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं ना कि गदर ने इतना किया, लगान ने इतना किया और इसने 1000 करोड़ किया जी। आज से 50 साल पहले शायद फिल्में तब भी इसी रेशियो में, अगर आप डिवेल्यूशन हटा दें, इसी रेशियो में उतना पैसा इकट्ठा करती थी। वो करोड़ तभी भी करते थे, लेकिन उस वक्त ब्लैक मार्केटिंग थी, चोरियाँ थी। Okay. टैक्स जो था ड्रैकोनियन टैक्सेस थे। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश, पंजाब और बिहार में 138% टैक्स होता था। अगर आपके पास 100 रुपये के टिकट है तो 138 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स, मतलब 238 रुपये आपको टिकट का लगता था, उसमें 138 रुपये टैक्स हो जाते थे। तो इट वॉज ईजियर कि टैक्स की चोरी करें, करेक्ट, बजाय की। तो उस चक्कर में क्या होता, टिकट का सेल भी कम बताते थे, क्योंकि अगर टिकट का सेल बताएंगे पैसे को देना पड़ेगा और टैक्स वालों को भी देना पड़ेगा, तो चोरियाँ होती थी जी। जब से मल्टीप्लेक्सेज आए हैं, टिकटें कंप्यूटराइज हो गई है। ओके, क्योंकि पहले हमारा छोड़ते हैं, जब प्रोड्यूसर का छोड़ते हैं, क्योंकि सिनेमा में जो ओनर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं जी, उनके कंट्रोल के लिए, अगर यहाँ पे चोरी होगी तो उनके लेवल पे भी चोरी होगी, शायद कोई स्टाफ चोरी कर रहा होगा। ओके, तो उस लेवल पे चोरी होती नहीं है। अब हर चीज़ कंप्यूटराइज हो गया, टिकट सीसीटीवी के सर्वेलेंस में बुक होती है, सो दैट उनके भी अपने चेक इन बैलेंसेज हैं, प्लस एंटमेंट टैक्स अथॉरिटी के पास भी वो सर्वर का एक्सेस होता है अब। ओके, क्योंकि कोई कितने टिकटें फाड़ रहा है, उनको भी सर्वर का एक्सेस है। बड़े सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं अब, लोग मोबाइल पे जितने भी सिनेमा ऑपरेटर्स हैं, एंटमेंट टैक्स अथॉरिटी रियल टाइम, एक भी टिकट फटता है ना एडवांस में, सबको दिखता है, सिनेमा के मैनेजर को दिखता है, सिनेमा के जो हेड है उनको दिखता है, मालिक को दिखता है, एंटमेंट टैक्स ऑफिसर्स को भी पता चलता है। वाह, तो अब जो है कहीं पर अगर किसी सिंगल स्क्रीन में कहीं पर भी देश में कोने में 1% अगर पिलफरेज होता होगा तो होता होगा, बट पिछले 15 साल में, मतलब ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स में, ऑलमोस्ट एग्जेजरेशन बंद हो गया है। क्योंकि एग्जेजरेशन करके करेंगे क्या, अगर मैंने मेरा सेल 100 करोड़ रुपया होता है, मैं 150 करोड़ डिक्लेयर करूँगा तो इनकम टैक्स वाले अगले दिन दरवाजे पे होते हैं कि भाई आपने तो 150 करोड़ डिक्लेयर किया था, ये देखो न्यूज़पेपर में है, तो टैक्स भरो। बराबर, तो वो दुधारी तलवार है। तो अब जो है ना तो चोरी होती है सिनेमा लेवल पे, और पीछे इनकम टैक्स भी बहुत सर्वलेंट है, ETO दैट एंटरटेनमेंट टैक्स, जो अब तो GST बोल सकते हैं, GST वाले प्लस उसके बाद जब टैक्स फाइलिंग करते हैं, तो हर चीज़ का डेटा होता है उनके पास, और नाउ एवरीथिंग कुड बी कोरिलेटेड। तो अब जो है चोरी भी नहीं होती है, सिर्फ चोरी नहीं होती तो नंबर एग्जेजरेट नहीं होता है, और अब एग्जेजरेट करना प्रोड्यूसर के हित के खिलाफ है।